सबको पता है कि भाई माइनक्राफ्ट एक ऐसा गेम है जिसके अंदर हम लोग अपनी क्रिएटिविटी से कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन क्या तुम लोग को ये पता है कि एक टाइम पे माइनक्राफ्ट एक ऐसा गेम था जिसके अंदर लिटरली क्राफ्टिंग टेबल भी नहीं होता था? क्यों भाई, तुमको नहीं पता कौन सा वर्जन है? आओ यार देखते हैं आज की वीडियो के अंदर। मैं ट्राई करने वाला हूँ कुछ माइनक्राफ्ट के ओल्ड वर्जन जिसके अंदर सामान्य सा क्राफ्टिंग टेबल भी नहीं था। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जल्दी से लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ओके सो गाइस, यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं अपने माइनक्राफ्ट के स्क्रीन पर एंड यहाँ पर देख पा रहे हो भाई, जो हमारा वर्जन है वो है रिलीज्ड 1.0, मतलब माइनक्राफ्ट का सबसे पहला वर्जन। सबसे पहले भाई तुम लोग को पता है माइनक्राफ्ट एक सैंडबॉक्स गेम है जिसको बनाया था नॉच, मतलब मार्कस पर्सन ने, एंड उसके बाद इसको माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया मोजैंग स्टूडियोज को। तो अभी ये माइक्रोसॉफ्ट का गेम है, ये सब तुमको पता है, बेसिक डिटेल्स है जस्ट बता दिया मैंने। बाकी माइनक्राफ्ट का रिलीज 1.0 जो फर्स्ट वर्जन है ये आया था, मैं भूल गया, देखता हूँ एक सेकंड। ओके सो माइनक्राफ्ट का जो फर्स्ट वर्जन है मतलब रिलीज 1.0 ये आया था 18 नवंबर 2011 को। भाई लिटरली सोच सकते हो, अभी टाइम हो रहा है 2023 एंड लिटरली ये गेम 2011 में आया था। हालांकि फुल्ली इसको लॉन्च होने में टाइम लग गया, लाइक 2012-13 तक लग गया, लेकिन भाई 2011 में रिलीज हुआ था ये गेम का बीटा वर्जन। तो तुम लोग सोच सकते हो कितना ज्यादा पुराना गेम है माइनक्राफ्ट, हम सबको बताए भाई। ओके फुल स्क्रीन का ऑप्शन है भाई इसके अंदर, मैंने सोचा था इस गेम के अंदर फुल स्क्रीन का ऑप्शन ही नहीं होगा, लेकिन है फुल स्क्रीन का ऑप्शन। चलो जो भी हो, इसके अंदर मल्टीप्लेयर मोड भी है। क्या बात कर रहे हो, मल्टीप्लेयर मोड इसके अंदर खेल सकते हैं हम लोग? ओके गाइस, तुम लोग कमेंट में बताओ कि ये जो मल्टीप्लेयर का ऑप्शन है क्या हमको ये ट्राई करना चाहिए 1.0 के अंदर। फिर मैं एक अलग से डेडिकेटेड सर्वर बनाऊंगा एंड उसके अंदर 1.0 को ट्राई करेंगे, बहुत सारी चीजें ट्राई करेंगे और हो सकेगा तो एक SMP भी बना के खेलेंगे भाई। बाकी इसके अंदर देखो सेटिंग्स कुछ खास थे नहीं, म्यूजिक का ऑप्शन था, इन्वर्ट माउस का ऑप्शन था, FOV का ऑप्शन था जो कि 100 है, थोड़ा बढ़ा लेते हैं। बाकी सेंसी वगैरह का ऑप्शन था, डिफिकल्टी मैं पीसफुल पर रखने वाला हूं बिकॉज़ वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है भाई। बाकी चलो जो भी है, यहाँ पर हमको टेक्सचर पैक का ऑप्शन आ रहा है और सिंगल प्लेयर का, हम लोग सिंगल प्लेयर पर क्लिक करेंगे। एंड मेरे माइनक्राफ्ट के अंदर कुछ वर्ल्ड्स ऑलरेडी बने हुए हैं लेकिन यहाँ पर एक भी वर्ल्ड नहीं दिखा रहा, तो हम एक नया सा वर्ल्ड क्रिएट करते हैं भाई यहाँ पर एंड इसके नाम हम जस्ट REL 1.0 कर देते हैं, रिलीज 1.0 इसका नाम रख देते हैं भाई। सर्वाइवल ठीक है, मोर ऑप्शंस के अंदर ओके, इसके अंदर सीड देने का ऑप्शन उस टाइम पे भी था, मतलब फर्स्ट वर्जन से माइनक्राफ्ट के अंदर सीड डालने का ऑप्शन था। वर्ल्ड टाइप नॉर्मल वगैरह जो भी है ये सब हम लोग कर सकते हैं। बाकी चलो फिलहाल हम लोग क्रिएट न्यू वर्ल्ड पर क्लिक करते हैं। ओ भाई ये वाला टेरेन जनरेशन का जो लोडिंग स्क्रीन है, इस टाइम पे भाई माइनक्राफ्ट कितनी जल्दी लोड ले लेता था, लिटरली भाई बिल्कुल टाइम नहीं लिया। एंड आज के जमाने में माइनक्राफ्ट 1.19 लोड लेने में महीना लग जाता है। खैर हम लोग आ चुके हैं भाई माइनक्राफ्ट के अंदर एंड ओ भाई लिटरली, अबे साउंड इफेक्ट्स भी हैं इसके अंदर, ओ मस्त साउंड इफेक्ट्स है बे। बाय द वे गाइस, तुम लोग देख पा रहे हो क्या, लाइक टेक्सचर्स वगैरह जो भी है भाई बहुत घटिया टेक्सचर्स है उस टाइम के, लेकिन या अगर तुम टाइम देखो तो भाई बहुत मस्त टेक्सचर्स है। एंड बाकी इसके अंदर ये जो माइनक्राफ्ट का वर्जन है इसके अंदर हम लोग लाइक जूम वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ पर मैं करने का तो ट्राई कर रहा हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ मैं जूम। बाकी पेड़ तोड़ते हैं भाई, वापस से हमारी चीजों को बनाना स्टार्ट करता है। इस वर्जन के अंदर क्राफ्टिंग टेबल था या फिर नहीं मेरे को देखना है, मैंने सुना है जो बीटा वर्जन होते हैं ना उसके अंदर क्राफ्टिंग टेबल नहीं था, तो मेरे को ये चीज देखना है कि इस वर्जन के अंदर था या फिर नहीं। चलो चार मैंने प्लैंक ले लिया एंड बाकी हाँ हमारा स्किन भी नहीं आ रहा ये वर्जन के अंदर, ये मैंने वुड लगा लिया एंड एक ऐसे ऐसे, ओ क्राफ्टिंग टेबल था भाई इस वाले वर्जन के अंदर, ये देखो क्राफ्टिंग टेबल था, लेकिन कुछ ऐसे वर्जन है जिसके अंदर क्राफ्टिंग टेबल था ही नहीं। अरे ये क्या टट्टी सा एनिमे, मतलब ऐसा साउंड इफेक्ट आ रहा है भाई चलने का, बहुत गंदा साउंड इफेक्ट आ रहा है चलने का, मैं सच बता रहा हूँ। ओके गाइस, यहाँ पर आने के बाद मेरे को यहाँ पर पम्पकिंस दिख चुके हैं एंड भाई तुमको पता है जहाँ पर पम्पकिन होता है उसके आसपास विलेजेस होते हैं, तो हमको ढूंढना पड़ेगा एक विलेज, अगर विलेज मिल जाए तो सोने पे सुहागा है भाई, हर चीज उधर ही से टेस्ट कर लेंगे हम लोग। बाकी फिलहाल के लिए क्राफ्टिंग टेबल बिठाते हैं एंड ये देखो भाई क्राफ्टिंग टेबल का मतलब ऐसे टेक्सचर कैसा था, आज के जमाने में तो चेंज हो चुका है टेक्सचर। बाकी इसके ओपन करते हैं एंड यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहले तो थोड़े बहुत प्लैंक्स बना लेता हूँ। ओ बैकग्राउंड म्यूजिक सुनो गाइस, उस टाइम पे बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ अलग सा ही था इस गेम के अंदर। हमने एक एक्स बना लिया, एक हमने पिकैक्स भी बना लिया, एक अच्छा स्वॉर्ड बनाने के लिए मेरे पास माल ही नहीं है उतना, एक काम करो चलो फिलहाल के लिए छोड़ो, यहाँ पर इसको तोड़ लेते हैं एंड एक विलेज को ढूंढते हैं भाई, मेरे को तो बहुत ज्यादा लाइक ऐसे चुल बच्चे रहे विलेज ढूंढने की। एक काम करता हूँ ऊपर, अबे ऊपर नहीं चढ़ सकते थे क्या उस टाइम? ओके उस टाइम पे हम लोग ऐसे ट्रीज के ऊपर नहीं चढ़ सकते थे भाई, लिटरली क्या क्या एक एक चीजें बाद में ऐड हुई है गेम के अंदर। ओके मैं अभी पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा हूँ, देखने
देखने के लिए कि आसपास कोई विलेज है कि नहीं। यहाँ पर पम्पकिंस है तो इसका मतलब आसपास विलेज होना मांगता है भाई, लाइक एकदम माइनक्राफ्ट का रूल ही वही है कि आसपास पम्पकिन। ओ चलो भाई सुअर के पास से थोड़ा घूम कर आते हैं, मैं यहाँ से कूद मारता, अबे नहीं मर जाऊंगा। आई गो भाई लिटरली 2 हर्ट्स है मेरे पास सिर्फ, और मैं कूद गया था डायरेक्ट वहां से, मतलब ऊपर से कूदा था। मैंने सोचा था बच जाऊंगा, लेकिन मतलब बच गया हूँ, बट फिर भी हार्ट्स बहुत कम हो चुके हैं भाई मेरे। मेरे को एक दो सुअर मारने एंड देखना है कि मतलब फर्नस वगैरह थे कि नहीं इस जमाने पर, बाकी क्रिएटिव मोड में भी नहीं था, मेरे को चेक करना पड़ेगा। चलो थोड़ी देर बाद चेक करेंगे। सबसे पहले तो ओए सुअर कहाँ गया भाई, मेरे को उसको मार के खाना लेने का है बहुत जोर से। अबे यार इस टाइम पे ना मतलब ऐसे कंट्रोलिंग से एकदम टट्टी से थे, स्मूथ नहीं थे, तो भाई ऊपर चढ़ने अड़ने में बहुत ज्यादा लाइक प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को। सुअर यहाँ पर है भाई, चलो क्रेट होता, अबे क्रेट होता था इस टाइम पे। अब भाई इसका तो साउंड अलग ही आ रहा है भाई। खाना, अबे खाना नहीं दिया सुअर का बच्चा, ये खाना दे, खाना दे मेरे को। अबे देखो गाइस कैसे ये मतलब हकलो के जैसे घूम रहे हैं भाई सुअर, देख रहे हो, देखो देखो। पहले के जमाने में सुअर का जो मतलब ऐसा मूवमेंट क्वालिटी है ये ज्यादा अच्छा था, मरने का भी साउंड इफेक्ट होता है यहाँ पे सुअर का, लिटरली भाई क्या मस्त चीज है यहाँ पर। बाकी हाँ मैं नोटिस कर रहा हूँ ये साले मेरे को खाना नहीं दे रहे भाई, उस टाइम पे ये नहीं था क्या सुअर खाना देगा, ऐसा कोई रूल था ही नहीं क्या उस टाइम पे। आई गया पानी में, गिरा मैं भी पानी में गिरूंगा। अरे खाना दे, आ ये खाना दिया, खाना दिया। अबे आज के जमाने में तो एक सुअर को मारो वही तुमको खाना दे देगा, लेकिन पहले के टाइम पे शायद ये चीज नहीं था। बाकी हाँ चले एक पॉकचॉप हमको मिल गया, और मैंने गेम मोड पीसफुल पर सेट किया था तो यहाँ पर मेरे हार्ट्स वगैरह जा नहीं रहे हैं भाई। लिटरली शुगर केन का क्वालिटी है ये, कितना टट्टी क्वालिटी है भाई शुगर केन का। छोड़ो चलो देखते हैं क्या होता है। बाकी आ गए तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना यार, क्या हमको माइनक्राफ्ट 1.0 वर्जन के अंदर एक सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं। तुम लोग कमेंट में बताओगे तो कर सकते हैं भाई हम लोग स्टार्ट। तुम लोग जिस भी ओल्ड वर्जन के अंदर एक सर्वाइवल सीरीज या फिर कुछ भी चाहते हो कमेंट में बताना भाई, मैं टाइम बाय टाइम लेते आता रहूंगा चीजों को। बाकी हाँ इसके अंदर हम लोग दौड़ नहीं सकते थे, मतलब वो जो कंट्रोल दबा के दौड़ते थे ना वो हम दौड़ा दौड़ी नहीं कर सकते थे इस माइनक्राफ्ट के अंदर, मैं अभी देख चुका हूँ ये चीज। बस हम लोग क्राउच कर सकते हैं, सी प्रेस करके जो हम जूम कर सकते थे ये भी इस गेम के अंदर नहीं हो सकता। ओए सामने शीप्स है भाई, एक सेकंड रुको, यहाँ पर सामने ओ चलो शीप्स मिल चुका है। बेड वगैरह बना के देखूंगा मैं बना सकता हूँ कि नहीं। मारो वे शीप को, अबे भाग मत। अरे भाई पहले के जमाने में शीप्स ज्यादा जोर से दो, अरे वो कहा है। अबे गाइस यहाँ पर कोल वगैरह भी, एक सेकंड मैं इनको मार लेता हूँ ना, इनको मार के सबसे पहले ओके एक शीप को मार के उस टाइम पे बस एक ही लाइक ऐसे वो मिलता था, वूल मिलता था, हालांकि अभी भी मिलता है लेकिन अभी मल्टीपल मिलते हैं कभी कभी मार के शीप्स को, उसको भी मार लेता। एक शीप ने भी अब तक मेरे को खाना नहीं दिया, सब ने बस ऐसे वूल 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 देते गए, बस खाना किसी ने नहीं दिया अब तक, ये मेरे को बुरा लगा खाली। बाकी यहाँ पर थोड़ा बहुत स्टोन तोड़ते हैं भाई, अभी स्टोन के टूल्स के अंदर अपग्रेड करने वाले हम लोग, मजा आने वाला है भाई लिटरली। ओके गाइज मैंने यहाँ पर 18 कॉबल स्टोन इकट्ठा कर लिए। बाकी यहाँ पर मेरे को दिख चुका है कोल भाई, उस रिलीज 1.0 मतलब माइनक्राफ्ट के फर्स्ट वर्जन के अंदर कोल था भाई। मजेदार होता जा रहा है ये गेम धीरे धीरे, मतलब हम लोग चाहे तो सर्वाइवल सीरीज बना सकते हैं इस वर्ल्ड के अंदर, ऐसी कुछ मतलब बड़ी बात नहीं है, हम लोग बना सकते हैं चाहे तो। अबे भाई आज के जमाने में कोल्स, मतलब मैं सोचता था कि कोल्स एक टाइम पे बहुत महंगे मिलते थे, लेकिन नहीं बे कोल का तो इज्जत ही नहीं था कभी, इतना ज्यादा देखो मेरे को भरमार मिल चुका है लिटरली कोल का, और खत्म ये देखो साला खत्म ही नहीं हो रहा। ओके मैंने यहाँ से बहुत सारा कोल तो ले लिया, 22 कोल ले लिए मैंने यहाँ पर। अबे यार इसके अबे ऊपर कैसे जाना है भाई मेरे को, अबे बहुत खराब कंट्रोलिंग थे भाई लिटरली मैं बता रहा हूँ उस टाइम पे। बाकी यहाँ पर अपना क्राफ्टिंग टेबल जो है इसको यहाँ पर रखते हैं, एंड भाई कॉबलस्टोन का लिटरली क्वालिटी देखो तुम, इतना टट्टी शी। चलो यहाँ पर सबसे पहले काम करता हूँ मैं, थोड़े बहुत ना स्टिक्स यहाँ पर बना लेता हूँ, एंड यहाँ पर भाई मैं चीजों को रख भी नहीं सकता ठीक से, ये सारी चीजों को ठीक कर लिया। एंड अभी इसके बाद मेरे को यहाँ पर एक एक करके बैठाना पड़ेगा ब्लॉक्स। ओ फर्नस है भाई इसके अंदर, चलो ट्राई करते हैं। एंड हॉट टॉप, अबे फर्नस के अंदर भी एंचेंटमेंट मिलता है क्या, एडवांसमेंट मिलता है क्या भाई, मेरे को ये तो पता नहीं था। एंड लिटरली देखो भाई फर्नस का क्वालिटी, मतलब फर्नस का टेक्सचर क्वालिटी देख के मेरा मूड हट गया इसके ऊपर से। बट चलो अभी फ्यूल डालते हैं इसके अंदर, एंड खाना डालते हैं, देखते हैं पका लेते हैं खाना भाई। लिटरली उस जमाने के अंदर क्राफ्टिंग टेबल देखो कैसे कलर के होते थे, एंड यहाँ पर भाई क्या कहते हैं इसको, फर्नस जो है फर्नस भी तुम लोग देखो किस क्वालिटी का है। बाकी यहाँ पर क्रिएटिव, ओ बाकी एक चीज और मेरे को ट्राई करना है। ओके यहाँ पर कुछ चैट करने का ऑप्शन ही नहीं था, मतलब लैंड मोड वगैरह कुछ था नहीं शायद यहाँ पर। एंड मैंने ये देखो ये सारे अचीवमेंट्स मैंने कंप्लीट किए इसके अंदर,
बाकी एक सेकेंड है स्टैटिस्टिक्स। ओके, इसके अंदर लाइक क्रिएटिव का ऑप्शन ही नहीं था माइनक्राफ्ट 1.0 वर्जन के अंदर। ओके सो गाइज, इसके बाद हम लोग ट्राई करने वाले हैं फोर्ज 125 जो कि आया था मार्च के 30 तारीख को एंड आया था 2012 को। तो बहुत एक बड़ा अपग्रेड है, एक साल का पूरा एक अपग्रेड है बोल सकते हो। तो चलो देखते हैं इस वर्जन के अंदर क्या क्या अपग्रेड्स है इस गेम के अंदर। ओके गाइज, इसके अंदर हम लोग आ चुके हैं फोर्ज 125 के वर्जन के अंदर एंड इसके अंदर आके मेरे को थोड़ा लाइक लेटेस्ट माइनक्राफ्ट वाली फील आ रही है। बिकॉज तुम लोग देखो भाई, जो पत्तियों के क्वालिटी है थोड़ा मतलब ब्राइट हो चुका है। जो फ्रीली 1.0 मतलब फर्स्ट वर्जन था वो तो एकदम से डल क्वालिटी था, बट इसके अंदर थोड़ा सा लाइक ऐसे ब्राइट वाइब्रेंट सा क्वालिटी आ रहा है। एंड इसके अंदर मॉब्स का भाई बहुत ज्यादा लाइक सामने देख पा रहे हो क्वांटिटी है, तो मजा आने वाला है भाई। चलो जल्दी से जंप मारते हैं। एंड अबे इसके अंदर भी वो करने का ऑप्शन नहीं है, अबे दौड़ने का ऑप्शन तो इसके अंदर भी मे भी नहीं है। एक काम करते हैं, जल्दी से माल मसाला बनाते हैं जो कि हमको बनाने पड़ते हैं टूल्स हमारे, उसके बाद एक दो चीजें एक्सप्लोर करते हैं भाई जल्दी से। ये वाला वर्जन 2012 में आया था, तो मेरे को एक चीज देखना है कि इस वर्जन के अंदर क्रिएटिव मोड होता है कि नहीं। लेकिन उससे पहले एक काम करो, एक सेकंड रुको, लाइक मैं चीजें जल्दी से अपनी बना लेता हूं। यहां पर 16 के आसपास स्टिक्स हो चुके हैं एंड यहाँ पर ये करते हैं। एक मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जल्दी से ना सिर्फ एक एक्स बना लेता हूँ एंड एक पिकैक्स बना लेता हूँ, और कुछ फिलहाल मेरे को नहीं चाहिए यहाँ पर। सबसे पहले एक काम करते हैं, मॉब्स को मार के थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि इनका एनिमेशन चेंज हुआ या फिर वही पहले वाला ही एनिमेशन है। सच बताओ तो भाई मेरे को ओल्ड एनिमेशन ज्यादा अच्छा लगता है माइनक्राफ्ट का न्यू एनिमेशन के कंपेरिजन में। बाकी ओके, ये लोग दौड़ा दौड़ी तो कर रहे हैं लेकिन एनिमेशन इनका चेंज हो चुका है, और वापस से ये लोग बस एक वूल ही दे रहे हैं, खाना पानी तो कुछ दे नहीं रहे। देखो मैंने दो दो शीप्स मार दिए लेकिन कुछ भी कोई खाना नहीं दे रहा। एंड बाकी भाई जो भी बोलो, मेरे को एक चीज से बहुत गंदा इरिटेशन हो रहा है जो कि इन लोग के चलने के साउंड से। क्राफ्टिंग टेबल बिठाया एंड मेरे पास लकड़ियां थोड़ी बहुत कम है, तो एक काम करते हैं लकड़ियां ले लेते हैं यहाँ से थोड़ी बहुत। Meanwhile, तो चलो भाई जल्दी से जल्दी करो, यहाँ पर मैं 3 वुड के प्लैंक रख देता हूँ। बाकी यहाँ पर ओके बेड ही नहीं बनता था भाई इस टाइम पर, या फिर मैं कुछ गलत बना रहा हूँ। एक सेकेंड, वो थोड़ा गलती कभी कभी हो जाता है गाइस। बाकी एक चीज तुम लोग नोटिस करोगे भाई, मैं बेड बनाया और डायरेक्ट रेड कलर का बेड बन गया, मतलब और कुछ कलर का बेड होता था कि नहीं भाई। एक सेकंड, अबे मेरे पास 2 बस है, और एक शीप मिल जाए तो मैं एक और बेड बनाकर ट्राई करूँ चीज को। भाई ये देखो गाइस हमारे स्वॉर्ड का एनिमेशन, भाई ग आज के टाइम पे तो ये कुछ होता ही नहीं है। एक सेकंड, ये सब नहीं, ये सब के अंदर कोई एनिमेशन नहीं है, जस्ट मैंने देखा स्वॉर्ड के अंदर ये वाला एनिमेशन है भाई। लिटरली देखो कैसे अपने आप को शील्ड करता था उस टाइम का स्टीव। ओके सो गाइस, फोर्ज 125 का जो ऑप्शन है ये लाइक थोड़ा सा अपग्रेडेड तो है, टेक्सचर क्वालिटी इंप्रूव हुआ है एंड और कुछ चीजें इंप्रूव हुई हैं। बाकी हाँ, मेरे को ये वाला वर्जन भी खेल के मजा आया एंड अब हम लोग इस वीडियो का लास्ट वर्जन ट्राई करेंगे जो कि इससे थोड़ा सा अपग्रेडेड है एंड वो ऑप्टिफाइन का वर्जन है, फर्स्ट ऑप्टिफाइन वर्जन एवर। तो चलो जल्दी से उसके अंदर चलते हैं। ओके सो गाइस, यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो ऑप्टिफाइन 147 का जो वर्जन है इसके अंदर हम लोग लाइक एंटर द गेम कर रहे हैं एंड बाकी ये फर्स्ट ऑप्टिफाइन वर्जन है। लेकिन इसका कोई रिलीज डेट मेंशन नहीं है कि कौन सा इसका रिलीज डेट है। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो ऑप्टिफाइन है, तो बहुत सारे डिस्प्ले ऑप्शंस या फिर वीडियो ऑप्शंस यहाँ पर आ चुके हैं, चंक से लेकर हर एक चीज आ चुका है भाई। बाकी मे बी इसके अंदर परफॉर्मेंस थोड़ा सा अपग्रेडेड हो सकता है बिकॉज ऑप्टिफाइन है, तो थोड़ा बहुत लाइक कस्टमाइज्ड होगा चीजों को लेकर। चीट्स का ऑप्शन, फाइनली भाई चीट्स का ऑप्शन आ चुका है, इसका मतलब हम लोग क्रिएटिव मोड जा सकते हैं। अब तक हम लोग बस क्रिएटिव मोड वगैरह कुछ नहीं जा सकते थे। एंड बोनस चेस्ट का ऑप्शन भी इसके अंदर आ चुका है। चलो डन मारते हैं एंड क्रिएट न्यू वर्ल्ड पर क्लिक करते हैं। बाकी हाँ, यहाँ पर हम लोग फर्स्ट एवर ऑप्टिफाइन के अंदर आ चुके हैं गाइज। यहाँ पर तुम लोग देख पाए ओ लाइक यहाँ पर जूम वगैरह एंड सारी की सारी चीजें है गाइज, मतलब फर्स्ट ऑप्टिफाइन के अंदर जूम आ चुका है। एंड स्पेशली सबसे ज्यादा मस्त चीज, मुर्गियां आ चुकी है भाई फर्स्ट एवर ऑप्टिफाइन के अंदर, बट इनका टेक्सचर देख के लग रहा है मरी हुई मुर्गी आ चुकी है। एंड बाकी इसके अंदर जो आयरन वगैरह सब कुछ आ चुका है, सामने देख पा रहे हो भाई तुम लोग यहाँ पर। एंड मुर्गी, अबे ये मुर्गी को मैंने नीचे भेज दिया, अभी ऊपर आ नहीं पाएगा। चलो छोड़ो जो भी है भाई, जल्दी से चलते अपने लिए टूल्स बनाते हैं। एंड बाकी तुम लोग देख पा रहे हो गाइस, जो घास होती है ना इसकी टेक्सचर क्वालिटी थोड़ी बहुत इंप्रूव हुई है, थोड़ी बहुत और वाइब्रेंट और मस्त सी हो चुकी है। यहाँ पर सबसे पहले वुड को तोड़ते हैं थोड़ा बहुत एंड अपने लिए बेसिक टूल्स बना लेते हैं भाई, जो कि नेसेसरी है हमारे लिए। अबे एक सेकंड, मैं यहाँ पर इसको तोड़ के टूल्स काहे लेने जा रहा हूँ भाई, मेरे पास क्रिएटिव का ऑप्शन, अच्छा क्रिएटिव मतलब ऐसे नहीं आया, मेरे को लाइक चीट्स टाइप करना पड़ेगा।
ऐसे करके गेम मोड ओके, मतलब स्मॉल में लिखना था, मैंने कैपिटल में लिख दिया था। गेम मोड क्रिएटिव, वो भाई हमारा गेम मोड क्रिएटिव हो चुका है भाई। सबसे पहला क्रिएटिव का ऑप्शन इसके अंदर आया था एंड लिटरली यहाँ पर देख सकते हो भाई गेम कितना ज़्यादा स्मूथ चल रहा है बे। मतलब होते ही थे पहले वाले वर्जन इतने मस्त इसीलिए होते थे भाई। चलते हैं, ओ पानी का साउंड भी बहुत अलग है। एंड ये देखो भाई लावा, क्या मस्त लावा हो रहा है बे। पूरा टेक्सचर चेंज हो चुका है लावा का, इसको और डिटेल में देखेंगे कभी यार। बाकी हम लोग इसके अंदर एक सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं गाइस, कमेंट सेक्शन में बताना कि करना चाहिए कि नहीं एक सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट। बाकी हाँ ये तो बहुत मजेदार है एंड यहाँ पर लाइक कांच वगैरह का क्वालिटी देखो भाई। एक सेकेंड में तुम लोग को दिखाता हूँ, लिटरली भाई ये कांच का क्वालिटी है भाई। कोई विश्वास करेगा ये चीज को? फिर भी आज के जमाने के वो जो पॉकेट एडिशन के कांच होते हैं उसके जैसे ही है उस जमाने के भाई कांच। बहुत मस्त दिख रहे हैं भाई, बहुत मस्त का टट्टी ही दिख रहे हैं। बाकी एक और चीज भाई, पहले के जमाने का जो कॉबल स्टोन था ना, इसका भी टेक्सचर क्वालिटी थोड़ा अलग सा था। जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो इसका क्वालिटी थोड़ा सा अलग सा है टेक्सचर क्वालिटी। एंड इसी के साथ साथ भाई हम लोग नेदर रैक को भी चेक करने वाले। लिटरली व्हाट द हेल मैन, भाई लिटरली गाइस तुम लोग देखो ये नेदर रैक है भाई, ये तो अलग टट्टी लग रहा है भाई। वो तो चलो क्या कहते हैं इसको, कॉबल स्टोन एंड ये ग्लास हम लोग मान के चल सकते हैं भाई, लेकिन लिटरली तुम ये देखो नेदर रैक है भाई, ये बहुत ज्यादा टट्टी है भाई, बहुत गंदा है ये। बाकी यहाँ पर हमारा स्किन भी नहीं आया, होप्स भाई लेटेस्ट वर्जन के अंदर स्किन आ जाए। मतलब इससे जो अपडेटेड वर्जन है इसके पार्ट टू के अंदर हम लोग करने वाले, बिकॉज ऑलरेडी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है एंड और लंबी मैं नहीं कर सकता। तो या गाइस अगर वीडियो पसंद आया भाई वीडियो को एक लाइक करना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। एंड होप्स तुम लोग को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई भाई कमेंट में बताना जरूर, मैं सेकंड पार्ट भी लेके आऊंगा। एंड अगर इनमें से कोई वर्जन का सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट करना हो तो वो भी बताना कमेंट सेक्शन में, सब करेंगे भाई। बाकी यहाँ थोड़े टाइम के लिए इनकंसिस्टेंट था मैं, बिकॉज थोड़ा ब्रेक पर था। अभी तुम्हारा भाई वापस आ गया तो बहुत मजेदार वीडियोस आने वाली है। तो चलो भाई इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो तुम लोग डेली अपडेट्स के लिए। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए यार गुड बाय।